नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। ममता के मंत्री की करीबी पर ईडी का छापा, घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिले, शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हैं तार। शिंदे ठाकुर को चुनाव आयोग का नोटिस, 8 अगस्त तक शिवसेना पर अपने दाव के दस्तावेज जमा करने को कहा, इसके बाद होगी सुनवाई। तिहाड़ जेल में यासीन मलिक की भूख हड़ताल, उम्र कैद का रहा है, बोला मेरे केस की सही जांच नहीं हुई, पाक का सपोर्ट मिला। स्मोकिंग से जुड़ी याचिका पर वकील को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, कहा अपने पब्लिसिटी के लिए याचिका दाखिल की। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष में घमासान, टीएमसी ने वोटिंग से हाथ खींचा तो मार्गरेट अल्वा बोली गुस्सा और अहंकार छोड़कर साथ आएगी। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, गंगा जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा, 7 की हुई मौत, 1 घायल। फर्जी पुलिस बनकर दबिश देने वाले गैंग का खुलासा, मेरठ में नकली नोटों की सप्लाई करता था गिरोह, फिर खाकी पहन करता था छापेमारी। बिजनौर में कांवड़ियों की बाइक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, 3 घायल, 1 का हाथ कटा। बार के बाहर 2 लड़कियों और लड़के में मारपीट, एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में लड़की की पिटाई, बाल नोचे और गमलों से पीटा। बिना रजिस्ट्रेशन के झोला छाप चला रहा था क्लिनिक, ऑपरेशन से महिला की हुई थी मौत, सीएमओ की जांच टीम ने किया खुलासा। शिंजो आबे के राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार का विरोध, जापान के विपक्ष ने कहा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद ना करे सरकार, मामला कोर्ट पहुंचा। ब्राजील में ड्रग्स माफिया पर खूनी रेड, झुग्गी बस्ती में 18 की मौत, पुलिस हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग। श्रीलंका में आधी रात प्रदर्शनकारियों पर एक्शन, सेना ने संसद के सामने तमाम टेंट उखाड़े, पत्रकारों समेत 9 गिरफ्तार। अमेरिका में चलती ट्रेन में लगी आग, लपटों से घिरे लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई, 20 यात्री थे सवार। पाकिस्तान में हमजा शहबाज की जीत पर भारी हंगामा, इस्लामाबाद समेत 5 शहरों में पीटीआई का विरोध प्रदर्शन। रोमांचक मुकाबले में 3 रन से जीता भारत, आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बना पाई वेस्टइंडीज, लगातार 7वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला हारी। धवन ने तोड़ा 23 साल पुराना रिकॉर्ड, वनडे में हाफ सेंचुरी जमाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बने, अजहर को भी पीछे छोड़ा। छलांग लगाकर पूरन ने पकड़ा शानदार कैच, वेस्टइंडीज के कप्तान ने गोली की रफ्तार से जा रही गेंद को हाथ से लपका। बेकुलम ने बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट को सही ठहराया, बोले उनका फैसला सही लेकिन मैं श्योर नहीं कि ये दूसरों के लिए ट्रेंड नहीं बनेगा। न्यूजीलैंड के पूर्व स्टार ऑलराउंडर स्कॉट स्टाइरिल का दावा, कहा हार्दिक पांड्या के रहते शार्दुल ठाकुर को नहीं मिलेगी टीम में जगह। स्टारकिड पर जानवी कपूर बोली झूठ नहीं बोल सकती, हाँ मुझे चीजें आसानी से मिली, मलयाली सिनेमा मेरा फेवरेट है। शमशेरा के तूफान में उड़ा टेंट, खाने पीने का सामान हुआ तबाह, 4 महीने में तैयार हुआ सेट फिर बनी फिल्म। सलमान खान ने की मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, हथियार लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देने पहुंचे एक्टर सलमान खान। विमी चक्रवर्ती ने रणबीर सिंह के फोटोशूट पर उठाए सवाल, बोली अगर ये लड़की होती तो लोगों ने
उसका घर जला दिया होता। दिल्ली क्राइम सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी बनी शेफाली शाह, बोली क्राइम कभी खत्म ही नहीं होते। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।